आई न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नैन्सी सेठी। हाल ही में उदयपुर में हुई नरेंद्र मोदी की रैली और इस रैली को संबोधित करते देखे गए प्रधानमंत्री। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात का ऐलान किया है, कई ऐसे फैसले सुनाए हैं जिसे यकीनन जानने के बाद देश की जनता खुशी से उन्हें वोट भी करेगी और इस बारी राज गद्दी पर भी उन्हें बिठाएगी। दरअसल नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कहा है कि जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं, यानी कि जितने भी छोटे स्केल पर बिजनेस लोग करते हैं, चाहे वो कोई सब्जी वाला हो, रेड़ी लगाने वाला हो, या फिर जितने भी छोटे स्केल के बिजनेसमैन हैं, 60 साल के बाद उन्हें पेंशन दी जाएगी। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है और एक बड़ा फैसला भी। नरेंद्र मोदी यहाँ पर उदयपुर रैली में ये संबोधित करते के समय बताते देखे गए हैं। अब क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए हमारे इस खास वीडियो में। नया कारोबार शुरू किया है, इसी तरह जो पूरी ईमानदारी से सेवा में जुटे हैं, असंगठित क्षेत्र के ऐसे 40 करोड़ से अधिक श्रमिक, उन साथियों को पहली बार पेंशन की सुविधा दी गई है। ये कौन लोग हैं? घर में बर्तन करने के लिए काम करने वाली आई मां बहने, खाना पकाने के लिए आने वाले लोग, बच्चों को स्कूल ले जाने वाले रिक्शा वाले लोग, टैक्सी वाले लोग, होटल के अंदर बैरे का काम करने वाले लोग, रेकड़ी चलाने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग। कभी सोचा था कि 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन मिले, ऐसा सोचने वाली भी कोई सरकार आएगी? हमने ये योजना बना ली। इतना ही नहीं, छोटे दुकानदार, उनके लिए भी पेंशन का प्रबंध, पहली बार किसानों के लिए पेंशन का प्रबंध, पहली बार खेत मजदूरों के लिए पेंशन का प्रबंध। साथियों, पिछली बार जब मैं उदयपुर आया था तो यहां बने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के दर्शन करने भी गया था। इस केंद्र में बहुत विस्तार से दिखाया गया है कि वो और उनके सेनानायक बिलू राणा कैसे दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। भाई और बहनों, हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी ये कहते हैं कि मोदी को राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, आतंकवाद की इस चुनाव में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों में आ जाने वाला कोई और हो सकता है, मोदी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए मोदी सही रास्ते पे हैं? दिशा सही है? इरादे सही हैं? कोशिश सही है? शरीर सही है? पूरा विश्वास है आपको? आतंकवाद पर मोदी प्रहार कर रहा है, ठीक है ना? खुश है ना आप लोग?
घर में घुस के मारता है। देश की रक्षा कैसे होगी इस पर, क्या इस चुनाव में और हर चुनाव में बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये उदयपुर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है? क्या ये विधानसभा का चुनाव है? क्या ये लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा, ये लोकसभा के चुनाव के अहम मुद्दे जो होते हैं उसमें उसका भी बड़ा महत्व होता है। उदयपुर के चुनाव में कोई राष्ट्र रक्षा की चर्चा ना करे वो तो मैं समझता हूं भाई, लेकिन इनकी सोच ही इतनी छोटी है तो उनको इतना बड़ा देश के इश्यू समझ नहीं आता है जी। 60 साल वहां रहने के बाद उनको पता नहीं है कि देश के मुद्दे क्या होते हैं। डिक्शनरी में से 5-10 गालियां निकाल करके वही लेके घूम रहे हैं 6 महीने से। कांग्रेस और उसके महामिलावटी ऐसे लोग हैं जो हमारे सपूतों के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप अपने सपूत पे भरोसा करोगे कि सबूत मांगने वालों पे भरोसा करोगे? भाइयों बहनों, देश के सपूतों ने देश का माथा ऊंचा किया है, ये सबूत वाली गैंग ने देश को नीचा दिखने के लिए मजबूर कर दिया है। और जो सबूत मांगते थे ये मीडिया वालों ने भी देखा होगा, टीवी में भी कभी कभी नजर आता होगा, 10 दिन पहले जो टेप रिकॉर्डर उनका बजता था, जो एक कैसेट लगाई थी उन्होंने, वो बोलते रहते थे ये पहले 2 चरण के बाद जनता ने ऐसा सबूत दे दिया, ऐसा सबूत दे दिया, ऐसा सबूत दे दिया, उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। अब सबूत मांगना बंद कर दिया, एयर स्ट्राइक पे बोलना बंद कर दिया, और मैं उनको चुनौती देता हूं, दम हो तो आइए, आप भी जनसभाओं में जाकर के सेना के पराक्रम की जो बात मैं करता हूं उसको चुनौती देकर के अपनी बात बताइए, खेल खिलाड़ी का और घोड़े सवारों के जी। इन नामदारों को जनता ने सबूत दे दिया है, घबराइए नहीं, अगले 5 चरणों में भी देश के लोग, देश के वीर जवानों पर उठाए गए हर सवाल का जवाब और चुन चुन करके देने वाले हैं। भाइयों और बहनों, उदयपुर से तो अनेक साथी विदेशों में काम करने के लिए गए हुए हैं, वो विदेशों से भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आपके आशीर्वाद से बीते 5 वर्ष में भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। जो भी दुनिया के किसी देश में जाता होगा, दुनिया के किसी भी देश में जब वो अपना पासपोर्ट दिखाता है हिंदुस्तान का, सामने वाला हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है जी। हिंदुस्तानी के प्रति गर्व से देखा जाता है। भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास रहा है कि जो बाहर काम करने के लिए हमारा साथी जाता है वो वहां सुरक्षित रहे, कभी समस्या आए तो आधी रात को भी सरकार उसकी मदद करे, यही काम हमने किया है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने
देश की साख बढ़ाने, सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही आपका जीवन आसान बनाने का भी लगातार